नमस्कार, मैं उमेश भरतपुरिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस बेहद खास और रोचक कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसी इमारतें हैं, चीजें हैं, व्यक्ति हैं या कुछ स्थान हैं जिनका हमने नाम तो सुना है, मगर हम उनके बारे में कई रोचक तथ्यों व जानकारियों से अछूते हैं या हमने नहीं सुने हैं। तो आज हम ऐसे ही एक निर्माण के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, जिसका आपने नाम तो सुना है मगर उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य या जानकारियों से आप अभी तक अछूते होंगे। आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ तथ्य और कुछ जानकारियां। क्या आप जानते हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल परियोजना है? इससे यहाँ 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। उसके साथ साथ इसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले खेतों की सिंचाई की जाती है। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध हैं, मगर दोनों एक ही परियोजना का हिस्सा होने की वजह से इन्हें भाखड़ा नांगल कहा जाता है। भाखड़ा बांध ऊंचाई पर बना है और ऊंचाई से आने वाले पानी के बहाव को कम करने के लिए नांगल बांध बना दिया गया। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भाखड़ा गाँव में बना है और नांगल बांध पंजाब में बना है, इसलिए इन दोनों को भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है। दोस्तों, अगर इस बांध की ऊंचाई की बात की जाए तो यह भारत की इमारत कुतुब मीनार से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। इस बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ था, यानी इसे तैयार होने में 15 वर्ष लगे। 1970 में यह काम करने लगा था। 22 अक्टूबर 1963 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों, अगर इस परियोजना की लागत की बात की जाए तो इस परियोजना में उस समय 245 करोड़ और 28 लाख रुपए खर्च आया था और यदि इस धनराशि की तुलना आज के समय से की जाए तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसको बनवाने के लिए इतनी कंक्रीट लगी है कि भारत की सभी सड़कों का दोबारा निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी भाखड़ा नांगल बांध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण व रोचक जानकारियाँ। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और IIMT मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली बार हम आपसे फिर मुखातिब होंगे किसी नए विषय के साथ और उससे जुड़ी रोचक तथ्यों व जानकारियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।